गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर। जैसा कि हमने गूगल क्लासरूम में यह जो पाठ है पाठ नंबर 11 आइजक न्यूटन लगभग समाप्ति कर चुका है। मैंने आपको इसके प्रश्न उत्तर भी दे दिए थे, तो चलिए आज हम इसी पाठ का रिवीजन से शुरू करते हैं। मैं पाठ को आपको फिर से समझाऊंगा ताकि जिन बच्चों को ठीक तरह से यह पाठ समझ में ना आया हो उनको यह पाठ समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप पाठ का नाम देख सकते हैं, यह पाठ का नाम है आइजक न्यूटन। तो आइजक न्यूटन के बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो उन्हीं के जीवन के बारे में, उनके जीवन में क्या क्या घटना घटित हुई थी, उसी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला चित्र देख रहे हैं, यह चित्र आइजक न्यूटन का ही है जो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये सेब का पेड़ है, एप्पल का पेड़ है, तो ये सेब जो है, एप्पल जो है, वो नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, या दाएं बाएं क्यों नहीं जा रहा है, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो इसी के बारे में चलिए हम जानते हैं। पहला जो पैराग्राफ है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि तुम रोज़ यह अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियाँ सुलझाई। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता है। तो क्या लिखा है देखिए, लिखा है कि तुम रोज़ यह अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। तो हम देखते हैं कि हमें अनुभव होता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी में एक शक्ति है। वह शक्ति क्या करती है, हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है। तो न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया था और उसे वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण, इसका उच्चारण बहुत ज़रूरी है, गुरुत्वाकर्षण नाम दिया था। तो न्यूटन जो थे, सर आइजक न्यूटन, उन्होंने इस शक्ति का पता लगाया था और इस शक्ति का नाम दिया था उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, जिसे अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है। उन्होंने प्रकाश की गति को भी नापा। उन्होंने जो प्रकाश की, प्रकाश मतलब लाइट, लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट को भी उन्होंने नापा था। नक्षत्रों की गति समझी, नक्षत्र मतलब ग्रहों की गति, किस तरह से रिवोल्यूशन और रोटेशन होता है, उसकी गति को नापा। और गणित की गुत्थियाँ सुलझाई, और अनेक गणित की गुत्थियाँ, गणित मतलब मैथ्स के अनेक फॉर्मूला बनाए उन्होंने, गणित की गुत्थियाँ सुलझाई। आज का विज्ञान उसी की खोज पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन ने ही बनाए, और विज्ञान के जितने ज़्यादातर नियम हैं, ज़्यादातर नियम सर आइजक न्यूटन ने ही बनाए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है, और अगर न्यूटन को जाने बिना, न्यूटन के जो फॉर्मूलेज है या फिर उनके खोजों को जाने बिना विज्ञान को जानना असंभव है। और अंत लाइन में क्या लिखा है कि वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता है, और वही उनको विज्ञान जगत के पिता मतलब फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर फसल उगाने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती, तब कहीं उनका पेट भरता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। तो क्या लिखा है देखिए, न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उनके पैदा होने से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया, मर चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जहाँ पर वह फसल उगा देते थे ताकि वह अपना पेट भर सके। न्यूटन का भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः शादी कर लिया था। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी ले ली थी। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा व शर्मिला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। तो न्यूटन छोटे से ही बहुत शर्मिला था, बहुत सीधा साधा था और कम बोलता था, और खेल कूद में उसकी खास रुचि नहीं थी। हथौड़ी लेकर टुक टुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीज़ें बनाना उसे भाता था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था, इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। तो उसको हमेशा हथौड़ा लेकर टुक टुक करना और मिट्टी से घर बनाना, ये सब बहुत पसंद था। और
छोटे से ही वो बचपन 6 साल की आयु से वह स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उसे पढ़ाई लिखाई में उतना खास नहीं था। लेकिन एक घटना ने उसका जीवन बदल दिया। क्या घटना? कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है, वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा। तो उसने मन में ठान लिया कि मैं अब से मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और हमेशा कक्षा में प्रथम आऊँगा, और वह प्रथम आने भी लगा। फिर देखिए, 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी, उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुँच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकाल कर उसे ध्यान से पढ़ता। तो क्या लिखा है देखिए, 10 साल की जब उसकी आयु हुई थी, तब उसके जो पालक पिता थे, मतलब जो पादरी थे, उनका भी देहांत हो चुका था। फिर उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, वो फिर से गरीब हो चुके थे, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी माँ वापस से खेत में जाकर काम करने लगी, पर उनकी पढ़ाई की जो लगन थी वह उनके दिल से नहीं जा रही थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम में शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुँच जाता था। जब भी शहर भेजता था उनको उसकी माँ, तो वह अपने माँ के सहेली के घर में जा पहुँचता था, और जहाँ पर उसके घर में अनेक तरह के किताबें रखे थे, उन किताबों को वो पढ़ता था। उसके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए, उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली, खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। एक साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया, तो उसके मामा ने जब देखा कि न्यूटन जो है, ये जो बालक है आइजक न्यूटन, ये बहुत ही पढ़ाई में इसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन है, तो उसके मामा ने पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली और उसका काम में जाना बंद करवा दिया। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था, इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग भी बनाई, कुछ कंदिल बनाकर उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांध कर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। तो जब धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, 12 साल की आयु में ही उसने आविष्कार करना शुरू कर दिया। जैसे पहला खोज किया, एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो पानी में चलती थी, फिर एक यंत्र बनाया जो यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था, इससे सुइयां घूमने लगी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने एक अजीब तरह की पतंग भी बनाई, जो कुछ कंदिल बनाकर उसमें रोशनी जला दी और पतंग से बांधकर उड़ा दिया। इस तरह वह सारे शहर में धूम मच गया, मतलब वो बहुत ही पॉपुलर हो गया अपने शहर में। तो इसी के साथ मैं आज का कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरी कक्षा में मैं आपको इस पाठ के बारे में और जानकारी दूंगा। तब तक मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस पाठ को घर में अच्छे से पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।